महिलाओं के पक्ष में कुछ ऐसे नियम और कानून हैं कि अगर महिला गलत भी हो तब भी उसकी सजा पुरुष को ही भुगतनी पड़ती है। लेकिन अब एक संगठन पुरुष को न्याय दिलाने के लिए भी खड़ा होगा। महिलाओं के लिए देश व प्रदेश में कानून व्यवस्थाओं में कई बदलाव हुए, जिनमें अधिकतर कानून महिलाओं के पक्ष में जाते हैं। फिर चाहे बात घरेलू विवाद की हो, दहेज के झूठे मुकदमों की हो, या छेड़छाड़ और फिर किसी गंभीर मामले की हो, पुलिस ने महिलाओं के लिए विशेष थाने में हेल्प डेस्क आदि भी बना रखी है। इन व्यवस्थाओं में कानूनी जानकार बड़े ही खेल खेलते हैं। कई बार एक आरोपी पक्ष ही महिलाओं की आड़ में बेकसूर को फंसा देते हैं और कई बार बेकसूर जेल की सजा काटकर अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। इन्हीं सब मामलों को देखते हुए अब झांसी में एक संगठन ऐसा बना है जो उन पुरुषों की मदद करेगा जो किसी महिला से वाकई में प्रताड़ित है। जी हाँ, इसी मंशा के साथ इस संगठन से सैकड़ों युवा जुड़ रहे हैं। हिंदू संगठन के नेता अंचल अर्जुनिया ने आज पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि इस संगठन में करीब 200 लोग जुड़े हुए हैं, जिनमें से नगर व क्षेत्र के कई लोग मदद को आते हैं और हम उनकी मदद करते हैं। यदि कोई पत्नी से पीड़ित है और वह महिला थाने आदि स्थानों पर जाकर अपनी बात नहीं रख पा रहा तो संगठन उसकी मदद करेगा। उन्होंने बताया कि अभी फिलहाल एक ग्रुप पत्नी पीड़ित मंच के नाम से बनाया गया है, जिसमें पत्नी से परेशान लोग अपनी शिकायत कर रहे हैं। देखिए, एक पत्नी पीड़ित मंच के नाम से एक ग्रुप का निर्माण किया, तो प्रतिदिन कोई दिन ऐसा नहीं जाता है जिस दिन 2-3 व्यक्तियों की शिकायत ना आती हो कि वो अपनी पत्नियों से पीड़ित हैं। पत्नी उन्हें प्रताड़ित करती है, कभी बच्चों के नाम पर, कभी पैसा लेने के नाम पर, कभी अन्य नाम से। तो हम देख रहे हैं कि महिलाओं की शिकायत तो सब जगह सुनी जाती, महिला ने झूठा आरोप भी लगा दिया तो उस पर तुरंत मुकदमा लिखने के आदेश हो जाएंगे, लेकिन जो पति पिट रहे हैं बेचारे घरों के अंदर, उनकी शिकायत कैसे दर्ज होगी? यह बहुत गंभीर मामला है। परिवार टूट रहे हैं और परिवारों को जोड़ने के लिए जो परिवार परामर्श केंद्र चल रहे हैं उसमें सामाजिक लोगों का शामिल होना अति आवश्यक है। नहीं तो आप देखिए, महिला थाने के अंदर होती है सुनवाई, महिला थाने में महिलाएँ ही बैठती हैं, उसमें पुरुष नहीं होते हैं, तो पुरुषों का जो पक्ष है वो पूरी तरह से आ ही नहीं पाता है। और ऊपर से भी आदेश हैं, महिला उत्पीड़न पर कार्रवाई करो। महिला का उत्पीड़न हो नहीं हो, किसी ने झूठा आरोप लगाया आप पे कि आप छेड़खानी आपने करी, आप करो नहीं करो आपके खिलाफ मुकदमा लग जाएगा। ऐसे मामले रोज आते हैं। ये आपने ग्रुप बनाया कैसे, मन में आया कैसे आपको? नहीं, हमारे पास शिकायतें आती थी रोज प्रतिदिन, कभी एक व्यक्ति कभी दो व्यक्ति की, हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ ऐसा हो गया, हमारे खिलाफ छेड़खानी का झूठा मुकदमा लग गया, हमारे खिलाफ बलात्कार का मुकदमा लग गया। तो जब उनकी तह तक पहुंचे तो निश्चित रूप से आप मानिए कि इसमें 95% मुकदमे झूठे लेके जा रहे हैं। आपके ग्रुप से कितने लोगों को अभी तक फायदा हुआ है? देखिए, हमारे ग्रुप से करीब 200 के आसपास लोग जुड़े और उनकी समस्याओं का निराकरण कराने में भी कहीं ना कहीं तक हम सभी लोग मिलकर के सफल रहे। झांसी से रवि परिहार की रिपोर्ट। स्पेस मून सिटी, JTA अप्रूव्ड, शहर के प्रदूषण से मुक्त, हरे भरे शांतिपूर्ण वातावरण में बनाएं अपना आशियाना। स्पेस मून सिटी झांसी का सबसे आधुनिक 24 एकड़ में विस्तृत वर्ल्ड क्लास टाउनशिप, 3-tier सिक्योरिटी, 24 घंटे पावर बैकअप, बेसमेंट कार पार्किंग, चिल्ड्रन पार्क एंड प्ले एरिया, 2, 3 और 4 BHK फ्लैट के साथ लग्जरी प्रीमियम विलास, बेहतर लाइफ स्टाइल के लिए क्लब, पूल टेबल, बैडमिंटन कोर्ट, टेबल टेनिस, हाई क्लास जिम, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट एंड बैंकेट हॉल। बुंदेलखंड की पहली ऐसी टाउनशिप जहां आपको मिलेगी रिसोर्ट वाली फीलिंग, आलीशान लिविंग स्टाइल के लिए चुने स्पेस मून सिटी, भगवंतपुरा रोड, झांसी। स्पेस मून सिटी।